अगर आपको क्वेश्चन छूट रहे हैं तो उसको तुक्का कैसे मारे, ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहला जो है, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपको ज़्यादा ज़्यादा ये देखना है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पे कमांडिंग है, मतलब सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पे कौन सा आपको सबसे ज़्यादा कमांड करते हैं और कौन से सब्जेक्ट पे आपका वीक पॉइंट है। तो आप जो वीक पॉइंट है उसको लास्ट में सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, जो वीक पॉइंट है आपको लास्ट में सॉल्व करना चाहिए। तो ज़्यादातर वीक जो लड़कों का होता है वो मैथ ही वीक होता है, ज़्यादातर लड़कों को जो वीक पॉइंट होता है वो मैथ ही वीक होता है, और ज़्यादातर सॉल्व भी लास्ट में मैथ ही करना ही चाहिए। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने SSGD में हमेशा मतलब सीरियल से सॉल्व करता था, तो हम पिछली बार SSGD 15 में फेल हो गया था। मतलब जैसे मुझे स्टेप बाई स्टेप मतलब जैसे क्वेश्चन आता रहा मैं ऐसे सॉल्व करता चला गया था, तो मैं पिछली बार जो गलती किया था मैं दोबारा नहीं गलती करना चाहता, तो इसलिए आप भी गलती नहीं करना। पहले क्या करना है, पहला आपको क्या करना है, सिर्फ रीजनिंग सॉल्व करना है। रीजनिंग सॉल्व करने के बाद तुरंत आपको GK बैठ जाना है। GK सॉल्व करने के बाद तुरंत आपको अगर हिंदी आता है तो हिंदी सॉल्व करिए, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश सॉल्व करिए। ये तीन चीज़ पे आपको कमांडिंग कर लेना है, तीनों सब्जेक्ट। ये आपको जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको सॉल्व करना है, तीनों पे जितना स्पीड से आप सॉल्व करना चाहें उतना स्पीड से सॉल्व करें। ये प्रैक्टिस शीट आपको इतना इस प्रैक्टिस शीट बना लेना कि एक घंटे के अंदर आपको सारे क्वेश्चन देख लेना है। पहली बात ये आपको क्लियर, ये अभी से कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो अभी आप वहाँ पर एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। जो एक घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन टच कर लेगा वही एग्जाम हॉल में आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने का मौका मिल जाता है, उसे मतलब गलती नहीं करता वहाँ पे। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले आपको क्या करना है, सॉल्व रीजनिंग सॉल्व करना है। अगर GK आता है तो GK पहले सॉल्व करिए, हिंदी आता है तो हिंदी पहले सॉल्व करिए। ये तीनों में से आपको सॉल्व, मैथ हमेशा लास्ट में सॉल्व करना है, याद रखिएगा मैथ हमेशा लास्ट में सॉल्व करना है। क्योंकि मैथ तो क्वेश्चन कभी कभी फंसा देता है इतना बुरी तरीके से कि आपको उसी में टाइम दे देंगे, बाकी सेक्शन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं अपना खुद का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैथ हमेशा लास्ट में सॉल्व करना, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैथ आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये होता है। उसमें तुक्का मारने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैथ में कोई तुक्का नहीं चल पाता है। GK में तुक्का चल जाएगा, हिंदी में चल जाएगा तुक्का, रीजनिंग में नहीं तुक्का चल पाता है ना मैथ में तुक्का चल पाता है। इसलिए मैथ को आप लास्ट में सॉल्व करिएगा, बाकी तीन सब्जेक्ट है उसमें जिसमें आप निपुण उसको सबसे पहले सॉल्व करिएगा, उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और मेरा ये बात पॉइंट था, और तुक्का मारने का मतलब और भी तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपको क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपको जैसे मान लीजिए कि आप 80 क्वेश्चन का पेपर है तो आपको 60 क्वेश्चन आपने टच कर लिया, 20 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि आपको 20 क्वेश्चन नहीं छोड़ना, उसमें से 15 क्वेश्चन तो आपको तुक्का मारना है, 5 क्वेश्चन जो डेफिनेटली नहीं समझ में आता है वही छोड़ना है। 15 क्वेश्चन में अगर तुक्का मारेंगे उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका आंसर साफ दिख जाएगा कि इसमें इस दोनों में से कोई ना कोई आंसर तो है, तो उसमें आप कन्फ्यूजन ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी तुक्का मार सकते हैं दो ऑप्शन में, अगर आपको ज़्यादा माइंड मतलब काम कर रहा है कि दो ऑप्शन में इसे कोई कोई ऑप्शन है तो उसमें आप तुक्का मार सकते हैं। तो आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन छोड़े हैं, 15 क्वेश्चन पे आप तुक्का मारते हैं, 5 क्वेश्चन मान लीजिए सही हो गया, 5 क्वेश्चन तो एवरेज सही हो ही जाता है, तो मान लीजिए 3 क्वेश्चन का मतलब नंबर कटेगा, बाकी 2 क्वेश्चन तो आपको नंबर मिलेगा ना, तो इसलिए आपको फुल नंबर आपको मिलेगा चाहे कैसे भी मिले, तो आपको कितना भी कटे जो छोड़ देंगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं है। नॉमिनेशन जब होगा तो सबके लिए होगा, आपके लिए ही पर्सनल नहीं होगा, तो आपको इसके भी ध्यान रखना है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया हूँ। जो भी नए लड़के हैं बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से एग्जाम दीजिए, मेरी तरफ से आप सभी को ढेरों सारे शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर की। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप